तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। मैं सूरज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आ जाओ फटाफट, क्योंकि अब लेक्चर कंटिन्यूसली ऑन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीके के हर एक चैप्टर वाइज हर एक सम्स ऑलरेडी पहले से ही अपलोड है। आप लोग यूट्यूब पे जाके जेआर कॉलेज सर्च करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको पहले से अवेलेबल दिख रहे होंगे, जो कि हर एक चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम सेट वहां पे सॉल्व है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और आप अपनी स्टडी को वहां से ऑन कर सकते हो। आप लेक्चर वाइज पूरे वीडियोस को देखो, आपको कहीं ना कहीं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पक्का है, श्योर है, क्योंकि आप लोगों के लिए पहले से सब कुछ ऑलरेडी उपलब्ध है। और वो वीडियोस ज़्यादा पुराने नहीं, कुछ 3-4 महीना पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो पूरे सिलेबस भी सेम है एंड सब कुछ जितना भी है सब कुछ सेम है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपके लिए राहुल सर ने बोला है कि आपके लिए कुछ तो नया लाना होगा ना, तो इसके लिए आप जो आ रहा है वो आपके लिए कुछ नया होगा, जो कि हर एक चैप्टर आपको 2 वीडियो में पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस, सारे आंसर्स, सारे डाउट्स, सारे प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बट उससे पहले आपको जाके हमारे प्लेलिस्ट पे जो वीडियोज है वो भाई लेक्चर वाइज वीडियोज है, तो आपको वो देखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने उस वीडियो को देख के जा रहे हो तो पक्का श्योर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा लंबा बन जाए, तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देखना, बट वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में मैं साथ ही साथ आपको थ्योरी पार्ट भी समझाऊंगा कि भाई किस चैप्टर पे क्या होता है, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक सम कराऊंगा जिसके चांसेस 95%, जिसके चांसेस मैं बता रहा हूँ आपको 95% एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। हम लोग ऐसे सम आपको कराने वाले हैं कि बच्चों कि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आउट ऑफ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इस बार का जो रिजल्ट आया हमारा, काफी बच्चों ने बीके में आउट ऑफ लाया है बच्चों, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी लेक्चर्स को देखो और समझो। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप बिंदास कमेंट्स में डालो, डाउट्स को आपने नहीं डालना है, आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो जो भी आपको डाउट्स है आप क्लियरली वहां पे पूछ सकते हो। और आई होप कि अगर आपने वीडियोस को देखा तो डाउट्स तो पक्का है आएगा ही नहीं, आया तो आप तुरंत कमेंट्स करना, पूछना, अपने आपको क्लियर करना, बट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि हमारा जो मेहनत है वो आपका रिजल्ट है, ठीक है। चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के ऊपर। किसके? 12th स्टैंडर्ड वालों के ऊपर है ये वीडियो जो बनने वाला है, वो बीके का है। जैसे कि आप सभी को टॉपिक के नाम से ही पता चल गया होगा बच्चों कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया तो, क्योंकि आपको इस पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे 5 चैप्टर है, जैसे कि आपको पता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कहीं ना कहीं आपको इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कहीं ना कहीं 5 चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्क्स का वेटेज है बहुत ज्यादा है। तो आपको इसको, इस वीडियो को, इस चैप्टर को विदाउट स्किप किए हुए पूरे को अच्छे तरीके से अपनी माइंड में डालना है और स्टोर करके रखना है एग्जाम टाइम तक। कहीं ना कहीं आपको ये जो चैप्टर से ये काफी काफी हाई क्वालिटी में मार्क्स देके जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलो, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि हर एक चैप्टर आपको 2 वीडियो में मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का जितने भी आपके चैप्टर है सभी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चल अब यहां पे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने फॉर्म पढ़ा होगा, आपने OCM SP में 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि भाई फॉर्म क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, ठीक है, ये सारे क्या है, फॉर्म है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो आपको पता है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, कि कोई एक बंदा आके अपने बिजनेस को चला रहा है, ठीक है, और वो अपने बिजनेस का जो भी डिसीजन है वो खुद ही ले रहा है, जो भी कैपिटल है वो क्या कर रहा है, खुद ही डाल रहा है बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फॉर्म की, मैं बात करूं बच्चों, तो सिंपल सी बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो सपोज ये एक बंदा है जिसका नाम है चांद, जिसका नाम है चांद। अब चांद क्या सोच रहा है कि भाई मुझे एक बड़ा बिजनेस करना है। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो चांद के पास उतना कैपिटल नहीं है, चांद के पास उतना कैपिटल नहीं है। तो चांद क्या बोलेगा, भाई मुझे कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे साथ क्या करे, क्लोबराट कर ले और मेरे साथ में क्या करे, बिजनेस चालू कर दे। अगर ये चांदनी चाहती है कि चांद के साथ में आके बिजनेस करे, और चांद भी चाहता है कि चांदनी मेरे साथ में बिजनेस करे, तो चांद और चांदनी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब पहले चांद अकेला था, अब क्यों आ गया, चांदनी आ गई। अब क्या हो गया, ये हो गए पार्टनर्स। क्या हो गए, पार्टनर्स। मतलब चांद और चांदनी ने मिलके एक बिजनेस को सेटअप किया। क्या किया, एक बिजनेस को सेटअप किया। अब सिंपल सी बात है, अगर चांद आ रहा है तो कुछ ना कुछ पैसे लाएगा, चांदनी आ रही है तो कुछ ना कुछ पैसे लाएगी या कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स लाएगी, मशीनरी लाएगी। अब इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को बहुत क्या होगा, यूजफुल होगा। अब यहाँ पे सारी चीजें हो गए, अब बात आ रही है डिसीजंस पे। अगर बिजनेस में कोई डिसीजंस लेना है तो खाली उसकी राइट्स खाली चांद के पास होगा, नहीं चांदनी के पास भी होगा, क्योंकि भाई दोनों पार्टनर्स है। तो जो भी होगा वो चांद और चांदनी के, मतलब उनके बोलते सेटिस्फेक्शन से होगा। अगर चांद और चांदनी राजी है तभी वो चीज होगा, अगर वो राजी नहीं है तो भाई वो चीज नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस जो है, जो फर्म है, वो भाई दोनों पार्टनर्स का है। तो इसमें दोनों पार्टनर्स का कहीं ना कहीं हक चलेगा भाई, विदाउट हक तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर चांदनी चाहेगी पूरा पैसा मैं ले लूं तो चांद होने नहीं देगा, और चांद चाहेगा तो चांदनी होने नहीं देगी। समझ में आ रहा है, चलो। तो जहां पे एक दो से ज्यादा व्यक्ति आके मिल के बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अगर कोई आपको पूछे पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, देन भी आस्क यू, आप बोल सकते हो उनको कि भाई जहां पे दो से ज्यादा मेंबर्स आके एक साथ बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्लियर डैड है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो, अब मैं यहां पे बताता हूं कि भाई कुछ ऐसे भी एक्शंस होंगे जहां पे कोई बंदा पार्टनरशिप नहीं बन सकता या पार्टनर्स नहीं बन सकता। तो इस डाटा वाला क्लियर में बता दूं कि भाई हमारे जो इंडिया में होता है वो है माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति की, जिस आदमी का, जिस पर्सन का एज 18 से नीचे है, बिलो द एज फ्रॉम 18, जिस बंदे की एज 18 से नीचे है उसे बोलते हैं माइनर पार्टनर। और माइनर पार्टनर एक बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता। अगर पार्टनर्स बनता भी है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनेगा, लॉस के लिए नहीं बनेगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर पार्टनर प्रॉफिट लेगा, अगर लॉस हो रहा है तो माइनर पार्टनर कोई भी लॉस को बियर नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है, चलो। उसके बाद देखेंगे पर्सन हैव डैमेज माइंड। अब किसी पर्सन का माइंड डैमेज है, उसको माइंड का प्रॉब्लम है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है या कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, उसकी जो संतुलन दिमाग की ताकत है बहुत कम हो गया। तो ऐसा भी जो व्यक्ति होगा वो बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता, फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर है, चलो। बाद में क्या है, डिसक्वालीफाई लॉ। अगर लॉ के हिसाब से कुछ डिसक्वालीफाई है, सपोज अगर हमारे देश में वार चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में अगर वार चल रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई पर्सन आके मेरे साथ में कोलैबोरेट कर ले, मेरे साथ में मिलकर बिजनेस करे, मगर उसको क्या किया, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। मतलब लॉ ने क्या किया, डिसक्वालीफाइड किया कि आप पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को लेके बिजनेस नहीं कर सकते या किसी भी स्टेट को लेके बिजनेस नहीं कर सकते। अगर वहां पे लॉ का कुछ एक्शन है तो आप भी उस व्यक्ति के साथ में बिजनेस को नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। अगर लॉ ने कुछ बताया है तो आपको उसका नजर रखते हुए आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर लॉ ने बोला है कि ठीक है आपको ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, तो आपको हमेशा उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है। क्लियर डैट है, ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, जो पहले रूल था कंपनी का, जो पहले रूल था वो था 1956 के एक्ट के द्वारा था,
बट अब जो न्यू रूल आया है वो कौन सा है? द कंपनीज एक्ट, कौन सा रूल है? 2014। कहीं ना कहीं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, तो आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अब ये रूल क्या बोलता है? जब ये रूल आया था तो ये रूल क्या बोल रहा है भैया? आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मगर अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस करना है तो आपके पास कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? दो, कम से कम दो। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम तो कितना? 50। आपको याद रखना है, अगर पार्टनरशिप फर्म करना है तो भैया मुझे मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50 मेंबर चाहिए, ठीक है। इट इज अ कंपल्सरी। ओके चलो, सेकंड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सपोज यहां पे देखना है आपको, अब ये चांद और ये चांदनी, ठीक है। अब दोनों अलग अलग पर्सन है, अब दोनों ने क्या किया? कोलैबोरेट किया, ठीक है। अब दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, अगर सपोज प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, तो चांद सोचेगा भाई मुझे 8 रुपया मिल जाए, चांदनी सोचेगी भैया मुझे 8 रुपया मिल जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? फाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइट हो जाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए चांद और चांदनी बिजनेस चालू करने से पहले एक डीड बनाएंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। सपोज ये डीड बनाएंगे, अब इस डीड के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होगा कि भाई जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा तो आपको किस हिस्से में उसका बंटवारा करना है, किस हिस्से में आपको उसको अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और लॉस होगा तो किस तरीके से आपको उस लॉस को रिकवर करना है, पे आउट करना है, ये सारे चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में देखने मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, क्लियर है? चलो, अब भैया अगर सपोज इन द सेंस अगर बिजनेस चालू हो गया और बिजनेस चालू करते वक्त पार्टनर्स ने बोलते ना, सपोज ये दोस्त है, देखो ये राजा और ये रानी, अब ये दोनों क्या है? एक अच्छे दोस्त है, एक काफी अच्छा इनका बॉन्डिंग है, काफी अच्छे दोस्त है और काफी साल से एक दूसरे को जानते हैं। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं? चलो हम तो बिजनेस चालू कर रहे हैं, हमें डेट की क्या जरूरत, हम तो इतने अच्छे दोस्त है, हम तो क्या करेंगे, आपस में बात कर लेंगे। जब डीड नहीं बनेगी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, तब क्या होगा? तब देखो क्या होगा, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा फर्म को, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा फर्म को, वो क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। चल, सेकंड क्या बोला है? नो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई भी, ड्रॉइंग क्या होता है पहले ये समझते, अगर सपोज राजा है, अब राजा फर्म से कुछ पैसा ले रहा है फॉर द पर्सनल यूज, वो अपने खुद के खर्चे के लिए, उससे फर्म के खर्चे का कोई भी रिलेशन नहीं है। राजा खुद के खर्चे के लिए अगर फर्म से पैसा निकाल रहा है, देन वी कॉल एज अ पर्सनल यूज, इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग, सिंपल। तो ड्रॉइंग उसको कहते हैं। अगर कोई पर्सन फर्म से पैसा निकाल रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, जब डीड नहीं बनेगी तब, ठीक है। चलो, थर्ड वन क्या बोल रहा है? नो सैलरी, कमीशन, बोनस एंड एनी एक्स्ट्रा इनकम टू एनी पार्टनर। अगर डीड नहीं बनी है, अगर डीड में मेंशन नहीं किया है, तो किसी भी पार्टनर्स को कमीशन या सैलरी या बोनस या एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। डी क्या बोलता है? देखो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर। अब पार्टनर्स अगर आ रहे हैं तो पैसा ला रहे हैं, अगर पैसा ला रहे हैं तो फर्म उस पर क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। बट अगर डीड नहीं बनी है तो फर्म उनको उनके कैपिटल पे पैसा नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं देगी। इज दैट क्लियर? चलो, लास्ट वन क्या बोला है? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% बाय द फर्म। अगर फर्म ने लोन लिया है और फर्म को लोन का इंटरेस्ट देना है, अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है परसेंटेज, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज कितने पे चार्ज होगा? 6% पर एनम। 6% पूरे साल पे क्या होगा? चार्ज होगा। जब भी डीड नहीं बनेगी, डीड पे मेंशन नहीं किया होगा, बट डीड पे मेंशन किया होता है। अगर नहीं है तो आपको ये पांचों शर्तों को याद रखना होगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं की पॉइंट्स है, और हमारे पुराने वीडियो में सारे टॉपिक्स को
लेक्चर वाइज एकदम डीप में पढ़ाया गया है, तो आपको वहां से जरूर देखना है, क्योंकि वही चीजें मैं बार बार पढ़ाऊंगा तो मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही रिकॉर्ड है। तो आपको कहीं ना कहीं जाके उस वीडियो को पहले ही देखना है, बाद में आपको ये वीडियो देखना है, इसमें कुछ अलग नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आपको जो मार्क्स है ना 15 मार्क्स का जो वेटेज है 12 मार्क्स का, वो आपको कहीं ना कहीं श्योर मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर आपको आ रहा है तो आपको उसमें कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या कि जहां पे गुड्स बन रहा है, जहां पे एक गुड्स बन रहा है। सपोज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहा है, एक गुड्स बन रहा है। सपोज मेरी बिस्किट की शॉप है, अब हाँ बिस्किट मेरा गोडाउन में बनता है, अब बिस्किट में क्या लगता है, बिस्किट में मिल्क लगता है, व्हीट लगता है, ठीक है, मशीन लेबर लगेंगे, वेजेस वाले। तो आप भाई जो भी गुड्स बनाने के लिए यूज हो रहा है वो सारे कहां पे रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। सेकंड क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब उसमें दो होगा, एक होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा और एक होगा करेंट अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल आएगा, तो जो भी कैपिटल लेके आएंगे उसको अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी पार्टनर्स कैपिटल लाएगा उसको वहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और करंट अकाउंट में क्या होगा, सेम होगा, बट जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, सपोज पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये सब जितने भी खर्चे पार्टनर्स को मिल रहे या जा रहे, वो सारा कहां पर रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। आपको याद रखना है सिर्फ ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यही दो चीज खाली डेबिट साइड में आएगी, बाकी सारी कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, डेट इज ठीक है, मेंशन किया हुआ यहां पे। चलो फिर सेकंड वन, थर्ड वन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जितने भी आपके होंगे एक्सपेंसेस, जितने भी आपके होंगे एक्सपेंसेस, वो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। और जितना भी आपके लिए होगा इनकम एंड गेन्स, वो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड लास्ट वन इसका क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट क्या होता है कि भाई मेरे पास कितना प्रॉपर्टी और कितना मेरे पास कर्जा है, उसको हमें देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं सबको समझाऊंगा, जब भी हम लोग सम करेंगे तो उस सम में आपको सब कुछ इसके फॉर्मेट देखने को मिलेंगे इसी वीडियो में। इसके लिए मैं इसमें नहीं बात करूंगा, क्योंकि बाद में सम करना है तो वहां पे वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डबल डबल करना इज अ टाइम वेस्टेज और कहीं कहीं वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ एक रूल यूज होता है, आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स में अगर अकाउंट्स करना है तो आपको सबसे पहले गोल्डन रूल यूज करना होगा, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है, आपको जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट करना है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार अपने बोल दूं कि सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, बोलता है भाई डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर डेबिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो डेबिट जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। जो फाइनल अकाउंट में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल रूल, जो कि बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर आपने ये रूल्स को याद कर लिया है तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो ये चैप्टर है बहुत ईजी हो जाएगा, और आने वाला चैप्टर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अब इस चैप्टर में आपको मैंने जो थ्योरी पार्ट था काफी बेहतरीन तरीके से समझा दिया, इससे ज्यादा आपको इस वीडियो में और इस चैप्टर में आने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सम, क्योंकि आपके एग्जाम में जो मार्क्स होता है वो आपको सम का मिलता है, और ये जो सम है ये कंपल्सरी आपके एग्जाम में आता है, ना तो इसके ऊपर कोई ऑप्शन होगा, ना तो आपके पास कोई बोलते ना पॉइंट होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये सम को अच्छी तरीके से करके जाना है और अपने माइंड में स्टोर करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है,
ये आपको फिक्स है कि आना है और आपको ये सम करके आना ही आना है, तभी आपको कहीं ना कहीं 12 मार्क्स आपके हाथ में है बच्चों, ठीक है। तो सम पे आप ज्यादा फोकस करो, हमारे पुराने वीडियो में पुराने लेक्चर में भी 5-6 सम मैंने कराया है, जो कि सम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस सम से भी साल भी क्वेश्चन में बना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, फिर भी आप देख के जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको आएगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना, क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अब अर्चना एंड प्रेरणा क्या है, पार्टनर्स है, ये दोनों बंदे मिलके क्या कर रही हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि भाई जब भी फर्म को प्रॉफिट और लॉस होगा तो कौन से हिस्से में बटेगा, 2:1, मतलब क्या, देखो कितना होगा, देखो 2+1 कितना हो गया, 3, सिंपल 2+1 कितना हो गया, 3। अब ये तीन हिस्सा होगा, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होगा तो कितना हिस्सा होगा, 3 हिस्सा होगा, 3 में से 2, मतलब अर्चना और प्रेरणा, तो अर्चना को 2 मिलेगा और प्रेरणा को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो अर्चना को 2 मिलेगा, 3 में से प्रेरणा को 1 मिलेगा, ये हो गया आपके लिए रेशो। फाइंड आउट करने का तरीका समझ में आ रहा है, क्या बोला है, इन द रेशियो 2:1, ठीक है, 2+1 कितना हो गया, 3, ठीक है। जब भी बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, तीन हिस्सों में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, अर्चना को, और 1 मिलेगा प्रेरणा को। इज दैट क्लियर, ठीक है, चलो। विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो भाई 1 अप्रैल से लेके 31st March तक चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31st March तक चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस देखते हुए आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, देखो, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ठीक है। देखो हमेशा आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कॉलम इस तरीके से बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। आप सब बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, सर अमाउंट का 2 कॉलम क्यों, एक अमाउंट का कॉलम इसलिए कि जो भी एडजस्टमेंट होगा हमारे ट्रांजेक्शन पे, हमारे पोस्टिंग के जो एंट्रीज है उस पे, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारे इनर कॉलम में, और जो भी फाइनल अमाउंट क्लियराइज होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग आउटर कॉलम में, ठीक है। तो यहां तक क्लियर आपको पक्का, चलो अब कैसे क्या करना है मैं सब समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे होगा डेबिट साइड, फिर यहां पे होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, डेबिट साइड, यहां पे क्या होगा, क्रेडिट साइड। और जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको 2 बात याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर क्या आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके नीचे क्या होगा, परचेज, और परचेज में से ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा, क्या लेस होगा, परचेज रिटर्न। सपोज ए और बी है, अब ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, अब ए बी ने अगर कुछ सामान परचेज किया अपने फर्म के लिए, तो परचेस अगर मैंने किया है 5 करोड़ का, अब 5 करोड़ में से मुझे सिर्फ 3 करोड़ का मटेरियल्स क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, बाकी का जो 2 करोड़ का मटेरियल्स है वो बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। तो ऑलवेज परचेस में से क्या होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। ये 2 चीज आपको डेबिट साइड में याद रखना है, और क्रेडिट पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या होगा, सेल्स, और सेल्स में से क्या होगा, सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। डेबिट साइड में जब भी आप ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करोगे तो आपको स्टार्टिंग में 2 लगाना नहीं भूलना है, आप 2 नहीं लगाओगे आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, तो 2 आपको लगाना है, और क्रेडिट साइड में आपको बाय यूज करना है, क्लियर है बच्चों, यहां तक पक्का क्लियर हो गया होगा शॉर्ट, चलो। एंड सेकेंड वन क्या बोला हम लोग ने, प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम जैसे आपने वो बनाया, सेम वैसे आपको ये बनाना है, बाकी कोई भी इसमें कुछ नहीं करना है, वही सेम है, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट एज अ क्रेडिट साइड, क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक रूल, कौन सा रूल, नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड।
जितना भी आपके लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, और जितना भी आपके लिए इनकम एंड गेंस होगा, जो पैसा आपको मिल रहा है प्रॉफिट वाला पैसा आपको मिल रहा है, तो आपको रिकॉर्ड करना है एज अ क्रेडिट साइड में। क्लियर डैट? ठीक है, चलो अब बारी आई बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, बैलेंस कभी भी डेट पे बनता है, कभी 31 मार्च को ही बनेगा, ये आपको याद रखना है। और बैलेंस शीट पे ना तो आएगा डेबिट ना तो आएगा क्रेडिट, ठीक है। क्या आएगा? लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? खर्चा। असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपको इसमें सिर्फ एक ही याद रखना है कि लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, जो भी पार्टनर्स पैसा लाएंगे, जो भी पार्टनर्स पैसा लाएंगे उसको बोलते हैं कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी के टॉप पे रहता है। लाइबिलिटी में क्या रहता है? टॉप पे रहता है। मैंने आपको यहाँ पर रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब पोस्टिंग करेंगे तो समझ में आएगा, टेंशन ना लो। पहले हमने अकाउंट को देखा यहाँ पे, अब हम लोग पोस्टिंग पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी एग्जाम में सम आए तो आपको हाथ में पेंसिल को ले लेना है। क्या लेना है? पेंसिल को लेना है। पेंसिल लेते वक्त पहले आपको पोस्टिंग करना है, पहले आपको पोस्टिंग करना है कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाने वाला है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले यहां पर क्या बोला? स्टॉप 1/4/2018, मतलब 1 अप्रैल 2018। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई फॉर्म चालू होता है तो कब चालू होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या होता है? चलता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? 1 अप्रैल का है, मतलब क्या है मेरे लिए? ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि बिजनेस चालू हो रहा है उस टाइम पे। अगर मेरे पास कोई स्टॉक है तो मेरे लिए क्या माना जाएगा? वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल को मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। और मैंने बताया कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर। मैंने TR लिख दिया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, आपको समझना है। फिर क्या हो गया? पेशेंट, पेटेंट्स। पेटेंट्स हमेशा कहाँ पे आएगा? असेट में, क्योंकि पेटेंट क्या होता है? असेट्स होता है। आपको जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से एंट्रीज कहाँ पे जाएगी। पेशेंट्स, पेटेंट्स हमेशा कहाँ पे जाएगा? असेट में जाएगा, हमारे बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स, मैं तो अब इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कि क्या होता है, क्योंकि आपको पहले से हमारे लेक्चर में अपलोड वहां पे है, वहां पे समझाया गया है सब चीजें, तो आपको एक बार देखना है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स मतलब अगर मुझे बिजनेस को किसी से पैसा लेना है, बिजनेस को, फर्म को किसी से पैसा लेना है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। और डेटर्स ऑलवेज कहाँ पे जाएगा? असेट्स में जाएगा, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब स्टॉक की बात आ गई। अब स्टॉक कुछ भी हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो किसी चीज का भी स्टॉक हो, अगर स्टॉक है तो मेरे लिए क्या है? असेट्स है। मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है। तो कहाँ पे जाएगा? असेट्स में जाएगा। ट्रेडमार्क, अब यहाँ पे बात आई ट्रेडमार्क की बात आई। अगर मैं ट्रेडमार्क की बात करूं तो ट्रेडमार्क ऑलवेज कहाँ पे जाएगा बताओ बच्चों? ट्रेडमार्क हमेशा असेट्स में जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडमार्क बोलते ना, कोई मतलब एक मार्क होता है। जैसे कि मैंने बोलूं कि फ्रेंचाइजी वाला बोलूं सिस्टम, सपोज डोमिनोज। अब डोमिनोज का एक ट्रेडमार्क है भाई, अगर बिजनेस करना है तो उसके नाम से बिजनेस चलेगा, तो वो क्या है? मेरे लिए प्रॉपर्टी है। तो ट्रेडमार्क भी कहां पे जाएगा? ऑलवेज असेट्स में जाएगा। कहां पे जाएगा? असेट्स में जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां बताऊं, यहां पे क्या बोला है? क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस जो है, पहला क्या है? कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में। कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में। तो ये सब जाएगा लायबिलिटी में। अदर लोन्स, लोन चाहे जिसका हो, बैंक लोन हो, कोई भी लोन हो, लोन हमेशा कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। फंड कुछ भी हो, कोई भी फंड हो, रिजर्व फंड, कुछ भी फंड हो, फंड अगर लास्ट में आ गया तो आपको बिना आंख बंद करके आपको लायबिलिटी में क्या करना है? इसकी पोस्टिंग कर देना है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखते बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको किसी से पैसा मिलना है तो आपके लिए क्या है? वो असेट्स है। कहां पे जाएगा? असेट्स। अभी क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब चार्जेस कुछ भी हो, चार्जेस कोई भी हो, मतलब आपके लिए क्या है? खर्चा है। आप कोई भी अगर चार्जेस पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस एंड लॉसेज है। और एक्सपेंस एंड लॉसेज जब भी होगा तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। वेजेस, वेजेस आएगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और सैलरीज आएगा तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जो ये वेजेस है वो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग भी ऑलवेज कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया
कि कोई भी चार्जेस हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो, ये हमेशा कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर बात करें सेल्स रिटर्न की, मैंने बोला कि सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, आपकी सेल्स में से क्या होता है, लेस होता है। और सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न कहां पर जाएगा? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, चल। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? असेट्स। क्या होगा? असेट्स। फर्नीचर क्या होगा? असेट्स, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये सब मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है, मेरे लिए असेट्स है। ठीक है, ड्रॉइंग, मैंने बोला अभी ड्रॉइंग। अभी ड्रॉइंग हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिर्फ तीन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्योंकि एग्जाम में टाइम मिलता है आपको, जो टाइम बहुत बच्चों को कम पड़ता है, इसके लिए आप एक्स्ट्रा मन बनाओ, आपको जो काम का है आप वही बनाओ। तो मैं आपको इस तरीके से शॉर्ट में सिखा रहा हूँ कि आपको जब जरूरत है तभी आप बनाओ, नहीं है तो आप ना बनाओ। ठीक है, तो जो ड्रॉइंग होता है, ये ड्रॉइंग हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल में से क्या होगा? लेस होगा। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। तो लाइबिलिटी में पार्टनर्स के कैपिटल में से क्या होगा? ड्रॉइंग क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, फिर बोला बैड डिप्स। बैड डिप्स का मतलब होता है कुछ छोटा मोटा नुकसान या छोटा मोटा बिजनेस में खर्चा। तो ये सब कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है? चलो अब यहां पर देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर सन्ड्री डेटर्स असेट में आएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पर जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। सिंपल है। चलो बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, आप कोई भी पे करो, अगर आपके पास से पैसा जाना है, अगर आपको कुछ भी पे करना है या कुछ आपका आउटस्टैंडिंग आपको देना है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या है? कर्जा है। और कर्जा को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कहां पर जाएगा? लाइबिलिटी में। अब यहां पर दिया परचेज रिटर्न। मैंने आपको बताया कि परचेज रिटर्न क्या होगा? ऑलवेज परचेज में से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो परचेज कहां पर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। तो मैं यहां पर लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आरडीडी। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व डाउटफुल डेब्ट, मतलब कि फर्म ने पहले से ही कुछ पैसा रखा है इस साल कुछ लॉस को कवर करने के लिए। सपोज बिजनेस चालू करने से पहले यहाँ पे आरडीडी कितना रखा है? 500 रखा है। अब यहाँ पे पार्टनर्स को लग रहा है कि इस बार बिजनेस में अगर लॉस कुछ भी हुआ तो हम लोग इस 500 से क्या करेंगे? उसको रिकवर करेंगे। तो ये क्या होगा? ये जो भी आरडीडी इसके अंदर होता है, जो भी आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, वो ऑलवेज क्या होता है? लेस होता है। किसमें से? बैड डिप्स में। लेस न्यू बैड डिप्स में से क्या होगा? ये लेस होगा। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि बैड डिप्स कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो आरडीडी क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा। क्या होगा? बैड डिप में से लेस होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो फिर क्या बोला है? सेल्स। मैंने आपको बताया कि सेल्स कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिख दिया ट्रेडिंग। अब बात करें इंटरेस्ट की, अगर ये इंटरेस्ट डेबिट साइड में रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब ये इंटरेस्ट कहां पे है? देखो क्रेडिट साइड में है ना, ये इंटरेस्ट कहां पे है? क्रेडिट साइड में है। तो ये इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल है। चलो आगे देखेंगे। चलो यहां पे क्या बोला है? परचेज। परचेस कहां पर जाएगा? मैंने आपको बताया कि ऑलवेज परचेस कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर। ठीक है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या आता है? परचेस। ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां पे हमने क्या कर दिया? सबको मार्कआउट कर दिया कि भाई कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किस किस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके बाद में आपको क्या देखना है? एडजस्टमेंट देखना है। क्या देखना है? एडजस्टमेंट देखना है बच्चों। अब जितना भी एडजस्टमेंट है सबके क्या होंगे? दो इफेक्ट क्या होंगे? सबके दो इफेक्ट होंगे। तो चलो सबसे पहले क्या बोला है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस इज 17,000। अब ये स्टॉक कभी का है? 31 मार्च का है, मतलब बिजनेस बंद करते वक्त का है। और जब हम बिजनेस बंद करते हैं उस टाइम पे जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं एज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज आपको कौन सा लेना है? कॉस्ट प्राइस का लेना है। क्या लेना है? ऑलवेज आपको कॉस्ट प्राइस का लेना है, मार्केट प्राइस आपको कभी भी नहीं लेना है। तो हमेशा आपको क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस वाला ही लेना है, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800। आपका जो कस्टमर है शेखर, वो आपको 800 रुपया नहीं दे पा रहा है।
देखो हमको जिससे पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स होता है। अब उन्हीं डेटर्स में से एक ऐसा व्यक्ति है शेखर नाम का, जो हमें 800 रुपया नहीं दे पा रहा है, वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारे डेटर्स में से लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारे डेटर्स को क्या करेंगे, स्टार कर देंगे कि भाई हमें 800 रुपये नहीं मिला है। अब मैं स्टार क्यों कर रहा हूं, अब मैं स्टार इसलिए कर रहा हूं बच्चों, इसमें स्टार में इसलिए कर रहा हूं कि भाई मुझे पता है कि मेरे डेटर्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो मैं डेटर्स का जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखूंगा और इसके नीचे 2 से 3 लाइन स्पेस छोड़ूंगा उसको एडजस्टमेंट को करने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं इसमें स्टार कर रहा हूं। तो ये सारे बात आपको पहले से अपने माइंड में याद रखना है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है, स्टेप वाइज जाना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, बैड डिप्स में से यहां से हम लोग ने लेस कर दिया, ठीक है। बैड डिप्स में से हम लोग ने यहाँ पे लेस कर दिया। अगर यहाँ पे डेटर्स मुझे मिलने वाला था 18,500, 18,500 में से मुझे अगर 800 रुपया नहीं मिला तो मेरे लिए क्या है, वो खर्चा है। मतलब मुझे क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो ये जो छोटा मोटा खर्चा होगा जो भी डेटर्स में से लेस होगा, जो भी डेटर्स में से लेस होगा वो बैड डिप्स में ऐड होगा, क्या होगा, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगा, हमारे बैड डिप्स में ऐड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डिप्स को भी स्टार कर लेंगे कि भाई हमारा जो खर्चा हुआ, जो हमें पैसा नहीं मिला वो हमारे लिए क्या था, नुकसान था। और जितने भी आपको नुकसान होंगे सारे आपको बैड डिप्स में ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो क्या बोला है, 1.8 ऑफ द पेशेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब पेशेंट का 1/8 हिस्सा क्या हुआ, रिटर्न ऑफ हुआ। मतलब क्या हुआ, कम हुआ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कम होना। मतलब आपके असेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू कम करेंगे, किसमें से कम करेंगे, पेशेंट में से कम करेंगे। तो पेशेंट किधर है हमारा, पेटर्न यहाँ पे इसको करेंगे स्टार करेंगे, क्या करेंगे, स्टार करेंगे। यहां से वैल्यू कम हो रहा है, स्टार कर दिए। सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा, वैल्यू कम हो रहा तो क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर सपोज ये पेन मेरे पास 10 रुपए का है, 10 में से अगर आने वाले 1 साल के बाद ये पेन की वैल्यू 8 रुपया हो गई तो मुझे क्या होगा, 2 रुपया लॉस होगा। और लॉस जो भी लॉस होगा, जब भी असेट की वैल्यू कम होगी आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कहां पर रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे क्या बोला है, देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है, बट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाला है। इसको पहले अपन मार्क करके देखेंगे, बाद में क्या करना है इसका देखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपको आपके असेट्स की वैल्यू कम करनी है, आपके असेट्स की वैल्यू आपको कम करनी है। बच्चों जब भी आपको बोला जाए कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपको आपके असेट्स में से क्या करना है, लेस करना है। जब भी आपके असेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सिंपल है। चलो फिर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग वे एक्सपेंसेस वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 200 रुपया है। सबसे पहले ऊपर वाले वो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को अपन स्टार कर लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को अपन स्टार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे स्टार कर दिया, फर्नीचर मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं इसका अमाउंट मुझे इनर कॉलम में लिखना होगा और इसके नीचे 2-3 लाइन स्पेस छोड़ना होगा ताकि मैं एडजस्टमेंट को कर पाऊं, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग, जब भी कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा, सैलरीज वेजेस कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होगा, ऐड होगा। पहला इफेक्ट क्या होगा, ऐड होगा। और सेकंड कहां पे जाएगा, सेकंड हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब फर्म का आउटस्टैंडिंग है, फर्म को देना है तो फर्म के लिए क्या है, कर्जा है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या बोला है, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो मैं यहाँ पे वेजेस को और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को स्टार कर लूंगा कि भाई इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो इसका जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखूंगा और इसके नीचे 3 से 4 लाइन क्या करूंगा, स्पेस छोड़ूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोला गया है, अलाउ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो 3 पर आपको निकालना है। तो जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा उस पर ये निकालना है 3%। तो सबसे पहला क्या होगा, इसका जो होगा फर्स्ट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, आपके कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है। जब भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अब सपोज मैं लाया था 2 लाख, अब 2 लाख पे मुझे अगर इंटरेस्ट कोई फर्म दे रही है 10,000 दे रही है, तो मेरा कितना हो गया, 2 लाख मेरा कैपिटल था, प्लस कितना हो गया, 10,000 मेरा इंटरेस्ट, मतलब कितना हो गया, 2,10,000। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि भाई फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, फर्म के लिए कहीं ना कहीं कर्जा है, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। चलो, तो सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दिया, अब आपको करना है। चलो अब यहां पे देखो, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में सारे पोस्टिंग करके रखा है, आपको भी करना है। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा 8,560, मैंने वहां पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग के नीचे क्या होता है, परचेज, हमेशा आपको याद रखना है। और परचेज में से क्या होता है, लेस होता है परचेज रिटर्न। तो मेरा परचेज था कितना, 22,700, अभी लेस करना है, इसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। अब जो इसका फाइनल आंसर आया, मैंने क्या किया, बाहरी कॉलम में लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैंने क्या लिखा, टू वेजेस। वेजेस मैंने क्यों लिखा इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैंने इनर कॉलम में लिखा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, स्पेस छोड़ा हूं, मैं इसमें क्या करूंगा, एडजस्टमेंट को फुलफिल करूंगा, फिर जो भी मेरा फाइनल आएगा मैं क्या करूंगा, बाहर लिखूंगा, ठीक है। फिर क्या, हीटिंग एंड लाइटिंग, अब इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, इनर आउटर कॉलम में इसका अमाउंट डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। चल अब यहां पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या आएगा, बाय सेल्स आएगा। क्या आएगा, बाय सेल्स आएगा। बाय सेल्स में से हमेशा आपको याद रखना है कि आपको सेल्स रिटर्न को क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, सेल्स रिटर्न को लेस करना है। तो मैंने यहां पे कर दिया है, 30,200 मेरा क्या था, सेल्स था, उसमें से 400 का मैंने क्या कर रिटर्न कर दिया, मतलब कितना हो गया, 29,800, मैंने यहां पे लिख दिया, खत्म। चल अब प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, जितना भी आपके लिए इनकम एंड गेन्स होगा वो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, ठीक है, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 1450। अब इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए इनर कॉलम में लिखा और 2-3 लाइन छोड़ा इसके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको पता है, मैंने इसको बता दिया, बैड डेट्स पे क्या था, एडजस्टमेंट था, तो मैंने इनर कॉलम में लिखा। बाकी आउटर कॉलम में जब इसका आंसर आएगा तो अपन लिखेंगे। अब वो इंटरेस्ट डेबिट में होता तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में आता, बट वो इंटरेस्ट कहां पे था, क्रेडिट में था, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे आया, क्रेडिट साइड में आया, सिंपल है, खत्म। चल अब लास्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 मैंने बना दिया। अब उसमें जितने भी मेरे असेट्स है मैंने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। अब जिस असेट्स के ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट था, उसको मैंने इनर कॉलम में लिखा, और जो एडजस्टमेंट नहीं था मैंने क्या बाहर के कॉलम में वहां पे लिखा। तो आपको इतना लिखना है, लायबिलिटी में सेम अर्चना का मैंने क्या लिखा, कैपिटल लिखा। अब मुझे इसके अंदर ड्रॉइंग लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, इसके लिए मैंने इतने सारे लाइन छोड़ दिए। तो आपको भी कम से कम 5 से 6 लाइन यहाँ पे छोड़ना है एक पार्टनर के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये भी कर दिया, जितने मेरे लायबिलिटी थे, जितने मेरे खर्चे थे, मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड किया, अपने लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जितने मेरे एसेट्स थे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी सारे पोस्टिंग हो गए होंगे, पक्का पोस्टिंग में नो डाउट होगा आपको, पक्का श्योर है। अब वन बाय वन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च का हो, बिजनेस बंद करते वक्त हो, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होगा बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलवेज कौन सा लेना है, आपको ऑलवेज कौन सा लेना है, कॉस्ट प्राइस का लेना है। बच्चों कौन सा लेना है, कॉस्ट प्राइस का लेना है, कितना है, 12,000। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहां पर लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितने, 12,000, क्योंकि हमेशा आपको कौन सा लेना है, कॉस्ट प्राइस लेना है, ठीक है। ये मेरे लिए हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कहां पर जाएगा, सेकंड जाएगा आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपके पास कुछ स्टॉक बचा है तो आपके लिए क्या होगा, वो असेट्स होगा। तो हमेशा कहां पर जाएगा, यहाँ पे। और आपको याद रखना है कि आपके बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं यूज होता है,
तो डायरेक्ट लिखना है मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 12,000 है, तो यहाँ पे मैंने 12,000 लिख दिया, क्लियर डेट है। चलो तो मेरे फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। चलो थोड़ा मैं यहाँ पे सेव कर लूँ कि शायद अगर कुछ हो जाए तो हमारा जो लिखा हुआ है वो जाए ना, तो मैं यहाँ पे सेव कर लूँ, फिर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू 800। अबे आपका कोई कस्टमर है वो आपको 800 रुपए नहीं दे पा रहा है, मतलब क्या हुआ, मेरे लिए नुकसान है। तो सीधी सी बात है, पहले आप बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में आ जाओ। अब बैलेंस शीट में आने के बाद देखो डेटर्स, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे डेटर्स से कितना लेना है, 18,500 रुपए लेना है। अब उसी डेटर्स में से कोई ऐसा बंदा है जो पैसा 800 रुपए नहीं दे पा रहा है, अब नहीं दे पा रहा तो मेरे लिए क्या हो गया, वो बैड डिप्स हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेस, क्या करूंगा, लेस न्यू बैड डिप्स, कि भाई ये नया खर्चा है जो मुझे नहीं मिला है, कितने का नहीं मिला है, 800 रुपया नहीं मिला है, कितना नहीं मिला है, 800 रुपया नहीं मिला है। अगर मैं 18,500 में से 800 रुपया लेस करूं तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा 17,700। अब ये 800 मेरे लिए ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट ये क्या है, मेरे लिए नया बैड डिप्स है, तो ये क्या होगा, मेरे बैड डिप्स में क्या होगा, एड होगा। तो मैं अपने बैड डिप्स में एड करूंगा, लिखूंगा एड न्यू बैड डिप्स, मेरे लिए नया खर्चा हो गया है बिजनेस में, कितने का, 800 रुपए का, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे क्या बोला है, 1.8 ऑफ पेशेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो पेशेंट कितना है, पेशेंट कितना है, पेशेंट मेरा 2000 है। अब इस पे बोला गया है कि रिटर्न ऑफ मतलब कम करना, रिटर्न ऑफ जब भी होगा, जब भी आपको पूछा जाए रिटर्न ऑफ, तो आपको क्या करना है, वैल्यू कम करना, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे लिखना है लेस, लेस रिटर्न ऑफ कितना, 1/8, ठीक है। तो देखो 2000 × 1/8 करो, कितना आएगा, देखो 2000 × 1/8 करो, चलो आप लोग करो, मैं यहां पर आपको कैल्सियम करके दिखा रहा हूं, 2000 × 1/8 कितना आया, 250, मतलब मेरा यहां से क्या होगा, 250 क्या होगा, लेस होगा। अगर मैं 2000 में से 250 को लेस करूं तो बाहर मेरे लिए कितना आएगा, 1750 आएगा। अब यहां पे देखो मेरा जो पेशेंस था वो 2000 का था, बट अब कितने का हो गया, अब 1750 रुपए का हो गया, मतलब क्या हो गया, मेरे स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। जब भी आपके स्टॉक का वैल्यू कम होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब क्या हो रहा है, आपके लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया था नॉमिनल रूल कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपके एसेट का वैल्यू गिर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू पेशेंट, किस पे हो रहा है, मेरे पेटेंट्स पे हो रहा है, पेटेंट्स पे हो रहा है, कितने का हो रहा है, 250 का, मैं यहाँ बाहर रखूंगा 250, ठीक है। चलो ये यहाँ पे सब हो गया। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि जो मेरा ये आरडीडी है, देखो जो मैंने हमारा ये आरडीडी दिया हुआ था हमारे ट्रायल बैलेंस में, रिजर्व डाउटफुल डेप्स, क्या दिया था मुझे, रिजर्व डाउटफुल डेप्स। इसका क्या करना है, ये जो होता है ये हम लोग पहले से ही कुछ पैसा रखते हैं खर्चे के लिए, ठीक है, 500 रुपया। अब मुझे इस साल कितना खर्चा हुआ, 800 प्लस कितना, 200 रुपया खर्चा हुआ, 1000, और मैंने कितना रखा था, 500 रखा था। तो मैं लिखूंगा लेस ओल्ड आरडीडी, मतलब मैंने पहले से ही कुछ ओल्ड में रखा था कि भाई मेरे पास 500 रुपया मैं पहले से रखा हो कि मैं इस रिकवर को 500 से क्या करूंगा, लॉस को रिकवर करूंगा, ठीक है। तो 800 तो कितना हुआ, 1000 हुआ, 1000 में से 500 मेरे पास पहले से ही बचा है, तो मुझे इस साल कितने का लॉस हुआ, सिर्फ 500 का लॉस हुआ। लॉस तो मेरा 1000 का हुआ था, 800 प्लस 200 का, 1000 का लॉस हुआ था, 1000 में से मैंने 500 रुपया पहले से ही रखा था इस लॉस के लिए, बट मुझे अब एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ, 500, क्योंकि 1000 में से 500 मेरे पास था, तो लॉस कितना हुआ, 500 का हुआ, मैंने लिख दिया 500, खत्म। इस तरीके से भी खत्म हो गया। चलो अब बोला है डेप्रिसिएशन, ये देखो ये पार्ट ऑफ अ फर्नीचर ₹5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये जस्ट मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, बहुत बहुत काम का इन्फॉर्मेशन है, देखेंगे आगे क्या बोला है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। डेप्रिसिएशन भी आपको बोला जाए तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको डेप्रिसिएशन बोला जाए तो आपको आपके असेट्स का वैल्यू क्या करना है, कम करना है, क्या करना है, कम करना है, मतलब लेस करना है।
तो यहाँ पे देखो कितना बोला गया, 10% बोला गया। किस पे बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले आप आ जाओ अपने बैलेंस शीट के एसेट में आ जाओ। चलो मैं आ गया अपने बैलेंस शीट के एसेट्स पे, और असेट्स में कहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है। क्या बोला गया? डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बोला कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होगा? लेस होगा। तो मैं लिखा लेस डेप्रिसिएशन। कितना बोला है? 10%। अगर मैं 22,000 का निकालूंगा 10%, तो आपको आएगा 2,200। कितना आएगा? 2,200 रुपये आएगा। आप लोग तो निकाल के देख लेना किस तरीके से निकालना, मैं दिखा दूँ। ये देखो आपको ऐसे निकालना है, 22,000 इंटू 10/100। ये गया ये गया ये गया, कितना आया? 2,200 रुपये आया। अगर 22,000 में से मैं 2,200 रुपये लेस करूँ तो मेरे लिए कितना बचेगा? 19,800 रुपया बचेगा। अब देखो 22,000 का वैल्यू अब कितना हो गया? 19,800 हो गया। मतलब क्या हुआ? वैल्यू कम हुआ, मतलब मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस होगा तो सेकंड पॉइंट कहाँ पे जाएगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या लिखूंगा? टू डेप्रिसिएशन हुआ। क्या हुआ मेरे लिए? डेप्रिसिएशन हुआ। टू पेशेंट को रिटर्न ऑफ लिख दूं ऊपर, आपको याद नहीं आएगा तो रिटर्न ऑफ में लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन पहले पे किस पे हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। कितना हुआ? 2,200 रुपये का हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,200 रुपये, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हुआ मेरे लिए? 2,200 रुपया हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,200 रुपये, ठीक है। चलो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखते हैं क्या बोला है। बोला गया एंड ऑन फर्नीचर 5%। कितना बोला है? फर्नीचर 5% बोला है, ठीक है। तो फर्नीचर कितने का है? देखो फर्नीचर कितने का है? 13,000 का है, ठीक है। कितने का है? 13,000 का है। देखो अब यहाँ पे फर्नीचर कितने का है? 13,000 का है। 13,000 में से आपको बोला गया है कि आपने जो 5,000 का है, जो आपने 5,000 है वो कभी परचेस किया है? परचेस 1 अक्टूबर पे परचेस किया आपने उसको। परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। देखो जो आपको यहाँ पे मेंशन किया, देखो मैं आपको बताया ना ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम का है। देखो ये वाला कभी आपने किया था? 1 अक्टूबर 2018 में कितने का किया था? 5,000 का आपने किया था, परचेस किया था, ठीक है। चलो अब 13 में से आपने 5,000 का परचेस किया था 1 अक्टूबर का, और बाकी का जो बच रहा है 8,000 वो आपने कभी परचेस किया था? 1 अप्रैल को परचेस किया था। कभी किया था? 1 अप्रैल 2018। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो भाई ये 8,000 पे आपने इस 8,000 का जो भी आपका फर्नीचर था आपने पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल इस पे चार्ज होगा। और भाई 5,000 की बात, तो ये आपने कभी लिया था? 1 अक्टूबर को लिया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कितना यूज किया? सिर्फ 6 महीना यूज किया। तो आपको इस पे 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है? चार्ज करना है बच्चों, ठीक है। तो निकालेंगे अभी 8,000 पूरे साल आपने यूज किया, कितना बोला है? 5% बोला है, 100। ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। कितना हुआ? 8 × 5 करो, कितना हो गया? 400 रुपया हो गया। कितना हो गया? 400। यहाँ पे 400 आ गया। चलो अब ये 5,000 देखो, 5,000 × 5/100 कितना महीना यूज किया? सिर्फ 6 महीना यूज किया। साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। साल में 12 महीना होता है, कितना महीना यूज किया? 6 महीना यूज किया, ठीक है। क्लियर है? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 50 × 5 कितना हो गया? 50। आपको दिखा रहा हूं कैलसी में करके, टेंशन मत लो। 50 × 5, ठीक है। चलो 6/12 कितना आया? 125। कितना आ गया बच्चों? 125। तो इसका कितना आया? 125, ठीक है। आपने एक फर्नीचर को, 8,000 के फर्नीचर को पूरे साल यूज किया, तो आपने उसके ऊपर क्या किया? पूरे साल का आपने डेप्रिसिएशन दिया। बट 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में परचेस किया, आपने उस फर्नीचर को पूरे साल यूज नहीं किया, तो आप क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन देने वाले हो? नहीं देने वाले हो। आपने जितना यूज किया है आपको उतना ही देना है। तो आपने इसको कितना? सिर्फ 6 मंथ यूज किया है, तो आप इसके लिए खाली 6 मंथ के लिए एलिजिबल हो। आपको उतना ही देना है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। ये 400 प्लस कितना? 125। कितना हो गया? 525। मतलब आपको कितना लेस करना है? ओनली 525 क्या करना है? लेस करना है। कहां से लेस करना है? आपके फर्नीचर में से, ठीक है। डेप्रिसिएशन जब भी आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है? लेस करना है। तो मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन
ठीक है, ऑन 5%, ठीक है, कितना आया था बच्चों देखो 525, कितना आया था 525। अब यहां पे मैंने लिख दिया कितना 525। अगर मैं फर्नीचर 13,000 में से 525 को लेस करूं तो कितना आएगा 12,475। चलो यहां पे क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, जब भी आपके असेट्स की वैल्यू क्या होगी, गिरेगी, तो आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपके लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये मेरा कॉलम भर चुका है, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू स्लाइड बना लूंगा। चलो यानी यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक न्यू स्लाइड यहाँ पे बनाऊंगा फटाफट। चलो ये हो गया मेरे लिए, चलो फटाफट क्लियर है। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, किस पे लॉस हुआ मुझे, लैंड एंड बिल्डिंग पे हो गया, किस पे हुआ, फर्नीचर पे हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फर्नीचर, कितने का हुआ 525 का हुआ, तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगा 525। तो यहाँ पे क्लियर आपको, सॉरी 275, तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा पक्का 525। चलो अब नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, क्या बोला गया, एडजस्टमेंट देखेंगे नेक्स्ट वन। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो आउटस्टैंडिंग, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया कि कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, किसी भी चीज का आउटस्टैंडिंग हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या बोला है, वेजेस का कितना बोला है 300, कितना बोला है, वेजेस का 300 बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड। मैंने आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, तो आओ ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना है बच्चों 300 है, तो मैंने यहाँ पे 300 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं 950 को प्लस करूंगा 3 से, कितना हो जाएगा 1250, तो यहाँ पे कितना आएगा 1250। ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड कहाँ पे जाएगा, देखो अगर कोई फर्म के लिए, अगर कोई फर्म के लिए कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है, तो फर्म के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। अगर फर्म के लिए कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, तो फर्म आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी देगी, तो फर्म के लिए क्या है, वो कर्जा है, और कर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटी बोलते हैं। तो कहां पर जाएगा सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी में जाएगा, सिंपल। चल अब ये कंपनी का आउटस्टैंडिंग है, अब आउटस्टैंडिंग कहां पर जाएगा सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके लायबिलिटी में, आपका लायबिलिटी इधर है। तो मैं यहां पे एक और कॉलम बनाया, वहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पहला क्या है, वेजेस है, कितना है वेजेस पे 300 रुपए, तो मैं क्या करूंगा अंदर कॉलम में लिखूंगा 300 रुपया, क्लियर है। तो इस तरीके से मेरा जो था फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट भी हो चुका है। फिर क्या बोला है, देखो एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना 200, कितना बोला है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, क्या करना है, ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड करने के लिए मैंने यहां पे आ गया हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, वहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी तभी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना है 200 है, अगर 450 प्लस 200 में करूं तो कितना आ जाएगा 650। ठीक है, कितना आ जाएगा 1650। ठीक है, क्लियर है, इसका मेरा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकंड मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग जब भी होगी, जब भी आउटस्टैंडिंग होगी, तो वो फर्म के लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, चलो तो लायबिलिटी में आ जाओ फटाक से। अब यहां पे लिखेंगे किस पे हुआ है, हीटिंग एंड किस पे हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे हुआ है, किस पे हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना 200, मतलब टोटल कितना हो गया 500 रुपए हो गए, कितना हो गया टोटल 500 रुपए आपके लिए खर्चा हो गया। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे देखेंगे, अब यहां पे क्या बोला गया है, देखो बोला गया एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या बोला है कि भाई फर्म क्या कर रही है, कैपिटल पे क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है। चलो इंटरेस्ट दे रही है मतलब क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, आपके कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। कैपिटल में क्या होगा, ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बोला है 3% बोला है। ठीक है, कितना बोला है 3% बोला है। ठीक है, चलो तो इसको निकालेंगे अपन, तो कितना 40,000 40,000 into 3/100, ये गया ये गया ये गया ये गया,
तो 400 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके लिए, 1200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके लिए, 1200 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अगर मैं निकालूंगा प्रेरणा का, तो प्रेरणा का कैपिटल कितना है, 20,000 है। प्रेरणा का कैपिटल कितना है, 20,000 है। कितना निकालना है, × 3/100। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, कितना हो गया, 200 × 3 कितना करेंगे, कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 600। मतलब इसको कितना मिलेगा, 2×3 = 6, मतलब कितना हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो उसको ऐड करेंगे, सबसे पहले कितना है इसको, अर्चना को कितना है, 1200 है, तो ऐड कर दिया। प्रेरणा को कितना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 600। तो मैंने यहां पे भी क्या लिख दिया, 600 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब देखो, कोई भी फर्म अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस है, क्योंकि आपको आपके कैपिटल के बदला क्या कर रही है, आपको ब्याज दे रही है, और ब्याज दे रही है तो कहीं ना कहीं फर्म के लिए क्या है, वो लॉस है। कंपनी के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है। तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सेकंड इफेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आया, सेकंड कॉलम पे आया, यहां पे लिखने का है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली कौन है, अर्चना है, ठीक है, फर्स्ट कौन है, अर्चना है ना, अर्चना। सेकंड कौन है, प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है। अर्चना के लिए कितना है, अर्चना के लिए कितना है, 550, ठीक है। अर्चना के लिए कितना है, 1200। चलो प्रेरणा के लिए कितना है, 600। बाहर कितना हो जाएगा, 1800। इस तरीके से क्या होगा, ए बी एडजस्टमेंट आपके लिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो, लास्ट वन जो बचा, मैंने बताया था आपको ड्रॉइंग के बारे में, कि जो ये ड्रॉइंग होता है, जो ये ड्रॉइंग होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। कहां से लेस होगा, कैपिटल में से। किसके कैपिटल में से, अर्चना के कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। तो चलो लेस करेंगे फटाफट, अर्चना के कैपिटल में आ जाओ। चलो यहां पे लिखेंगे लेस ड्रॉइंग, कितना है अर्चना का, 1200 रुपये है। कितना है अर्चना का ड्रॉइंग, 1200 रुपये है, ठीक है। और प्रेरणा का ड्रॉइंग कितना है बच्चों, प्रेरणा का ड्रॉइंग है 900 रुपये। कितना है, 900 रुपये। तो यहां पे भी कितना लिखेंगे, लेस ड्रॉइंग, कितना है, 900 रुपये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर रिकॉर्ड हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो अब यहां पे खत्म हो गया सर, अब क्या करेंगे, टैली की बात आई, तो टैली करते वक्त सबसे पहले आपको कौन सा टैली करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे कैंसिल ले रहा हूं फटाक से। चलो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्रेडिट सर्कल टैली करना है, कौन सा क्रेडिट सर्कल टैली करना है। तो कितना है, 29,800 प्लस कितना है, 12,000, कितना आया, 41,800, ठीक है। तो यहां पे ऊपर लिख दो आप लोग 41,800, ठीक है। चलो अब यहां का आपको कैलसी करना है, चलो मैं स्वागत ले लू, पहले क्या है, 85600, चलो 85600, ठीक है। फिर प्लस, फिर कितना है देखो, 22,700, चलो प्लस, फिर कितना है देखो, 12,015, चलो प्लस, फिर कितना है देखो, 1000, कितना है, 1000। तो बड़ा कौन सा है, 41,000 बड़ा है, या आपके लिए 33,510 बड़ा है। आपके लिए बड़ा कौन सा है, 41,800 बड़ा है। तो आप लोग दोनों तरफ क्या लिखोगे, 41,800, यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, 41,800। चलो अब यहां पे क्या होगा, देखो 41,800 में से आपको लेस करना है, कितना लेस करना है देखो, 33,510, कितना बचेगा आपके लिए, 8290, क्या बचेगा, 8290 यहां पे बचेगा, यहां पे कितना बच रहा है, 8290। तो जितना पैसा बचेगा आप लोग वहां पे डालोगे, क्योंकि ये टैली होने के लिए। अब जो ये पैसा बचा है उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब जो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कहां पे जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहां पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है भाई, 8290।
8290। चलो अब इसको टैली करना है, अब इसको भी टैली करते हुए सेम आपको पहले आपको क्रेडिट का टैली करना है। चलो अकाउंट तो कितना लिखना है, 8290 प्लस कितना है 310, कितना आ रहा है 8600। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख दूं 8600, ठीक है, क्लियर है। चलो अब टैली करना है आपको डेबिट साइड, तो पहला कितना है 1650 प्लस फिर कितना है 850 प्लस फिर कितना है 500 प्लस फिर कितना है 250 प्लस फिर कितना है 2200 प्लस। चलो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ है, यहाँ भी कुछ है, कितना है 525 प्लस फिर कितना है 1800 कितना है 1800, तो कितना आया ये, आ रहा है आपका 777। तो आपके लिए बड़ा कौन सा है, आपके लिए 8600 बड़ा है या 777 बड़ा है? तो 8600 आपके लिए क्या है, बड़ा है। तो जो भी आपके लिए बड़ा होगा वो आपको दोनों तरफ लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8600, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट है वो आपको दोनों तरफ लिखना है 8600। अब यहाँ पे देखो 8600 में से आपको लेस करना है इसका टैली, टोटल कितना है 777, कितना बचा 825, कितना बच रहा है 825 बच रहा है, तो मैं 825 यहाँ पे लिख दूंगा। अभी आपको यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस साइड से, आपका जो इनकम एंड गेन्स होता है क्रेडिट साइड वो ज्यादा है आपके लॉस के एक्सपेंसेस साइड से, तो आपको क्या वहां पे प्रॉफिट हुआ। और जब भी ये प्रॉफिट कितने का हुआ, 825 का प्रॉफिट हुआ तो ये 825 का प्रॉफिट का एक ही आदमी लेगा नहीं, दोनों लेंगे। कौन से रेशो में लेंगे, जो रेशो वहां पे मेंशन किया है, देखो कौन सा रेशो, जो भी प्रॉफिट होगा उसका क्या होगा, तीन हिस्सा होगा, तीन हिस्से में से दो किसको मिलेगा, अर्चना को और एक मिलेगा प्रेरणा को, ठीक है, क्लियर है। चलो सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। चलो अब ये जो 825 का प्रॉफिट हुआ ये कहां पे जाएगा, ये क्या मिला मुझे, नेट प्रॉफिट मिला, क्या मिला मुझे, नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट ये कहां होगा, ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले किसको जाएगा, अर्चना को, तो पहले अपन अर्चना का निकालेंगे, अर्चना 825 कितना बोला है, इसको दो हिस्सा बोला है, कितने में से, तीन में से, चलो 825 इंटू क्या बोला है, टू डिवाइड बाय थ्री, कितना हुआ 550, कितना हुआ 550। तो अर्चना को कितना मिलेगा, अर्चना को मिलेगा 550। चलो अब बात करेंगे प्रेरणा का, तो प्रेरणा का कितना प्रॉफिट हुआ 825, कितना हिस्सा बोला है उसको, एक हिस्सा बोला, कितने में से, तीन में से। यहाँ पे देखो 825 इंटू वन डिवाइड बाय थ्री, कितना हुआ 275, कितना आ रहा है 275 इसको मिलेगा, प्रेरणा को मिलेगा। अब जो ये प्रॉफिट होगा, जब भी नेट प्रॉफिट होगा तो एड होगा, नेट लॉस होगा तो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट क्या हुआ, जो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में जो आया है आपके लिए, जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपके कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो कैपिटल में आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करोगे, ऐड, क्या करोगे, ऐड नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ है भाई, 550 प्रॉफिट हुआ है, किसको 550 प्रॉफिट हुआ है, आपके अर्चना को, तो अर्चना को कितना हुआ है 550। चलो यहाँ पे भी अब प्रेरणा को भी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इसके लिए भी क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड प्रॉफिट कितना है बच्चों, इसको 275 हुआ है ना, तो मैंने इसका भी लिख दिया 275। अब पहले आप इसको टैली करेंगे, चलो तो पहले कितना है अर्चना का, देखो 40,000 इसका कैपिटल था, 1200 रुपया इसके लिए क्या था, ड्रॉइंग, इसके लिए क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उसके बाद में ड्रॉइंग करना है लेस, तो लेस 1200 रुपये प्लस कितना है 550, जब आप करोगे तो इसका आ जाएगा 40550, क्या आएगा 40550, ठीक है। चलो अब बात करेंगे प्रेरणा का, तो प्रेरणा का 20,000 कैपिटल है, 600 रुपया उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर इसका ड्रॉइंग कितना है 900, ड्रॉइंग उसके लिए लेस होगा, फिर प्लस इसके लिए इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट कितना है 275, इसका कितना आएगा देखो 9975, देखो चलो 19,975। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसके टोटल निकाल दिया। अब हमको टैली करना है, तो टैली करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको आपका असेट्स और लायबिलिटी सेम आना चाहिए, इस तरीके से आपका सम क्या होगा, राइट होगा।
चलो देखते हैं हमारा सम रॉन्ग है कि राइट है। तो 40550 प्लस फिर कितना है 19975 प्लस, चलो आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 3000 प्लस 1000 प्लस 17500 प्लस 5000 प्लस 500 कितना आया 87525। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 87525। चलो अब बारी आई हमारी एसेट्स की, टैली करेंगे हमारा एसेट्स टैली करेंगे। चलो तो एसेट्स में कितना है, पहला है 7050 प्लस फिर कितना है 20000 प्लस सॉरी 2000 प्लस फिर कितना है 19800 प्लस फिर कितना है 12475 प्लस 12475 ठीक है प्लस कितना है 17700 प्लस, चलो 6300 प्लस 3000 7500 प्लस 5000 12000 कितना आया 87525 आया 87525। मतलब क्या इस तरीके से मेरा सम क्या है राइटली, हमने यहाँ पे सम को कर लिया और हमारा असेट्स हमारा लाइबिलिटी इक्वल आया। और जब भी आपका असेट्स और लाइबिलिटी क्या होगा इक्वल आएगा तो आपका सम क्या एक्यूरेट राइट है। तो इस वीडियो में हमने सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट सम भी हमने सॉल्व किया और इम्पोर्टेंस जो टॉपिक डिस्कशन था हमने उस चैप्टर के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया कि भाई पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या होता है, अगर डीड नहीं बना तो क्या होगा, डीड बनेगा तो सब डीड के हिसाब से होगा। ये सारे टॉपिक्स ये सारे जो भी डिस्कशन थे हमने इस वीडियो में किया और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना कि ताकि ये जो नया वीडियो न्यू वीडियो है जो पार्ट वन पार्ट टू आपके लिए लॉन्च किया गया है वो उनका बेनिफिट सारे आपके दोस्तों को भी हो जाए। तो प्लीज और फटाफट से जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है क्योंकि उस प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट से लेकर 10th चैप्टर तक जितने भी ऑलमोस्ट चैप्टर हैं सारे वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आप वहां से आपकी स्टडी को ऑन कर सकते हो और फटाफट कंटिन्यूसली पढ़ाई करो क्योंकि दिन निकल जाएगा पता नहीं चलेगा एग्जाम नजदीक आ जाएगा फिर पछताओगे। तो उससे अच्छा है कि अभी से तैयार हो जाओ, एक दो घंटा डेली टाइम निकालो और अपने एजुकेशन पे ध्यान दो और एक अच्छा स्कोर करो ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी जो मेहनत है वो यहाँ पे क्या हो जाए सफल हो जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं पार्ट टू में ऐसे ही कुछ सम लेके और काफी अमेजिंग से करेंगे, कुछ अलग सा करेंगे और एग्जाम के पर्पज से 95% इंपॉर्टेंट सम था तो स्टार बना लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं ऐसे ही। ठीक है, बाय बाय।